हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के एक नया चैप्टर जिसका नाम है एज आयु। एज आयु से रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे मैं कवर कराने वाला हूँ दो पार्ट में। ये पार्ट वन है, एक पार्ट टू अपलोड होगा कल। तो हर एक पार्ट का नोटिफिकेशन लेने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियो देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। मैं क्वेश्चंस को हिंदी में कराने वाला हूँ, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, ठीक है। यदि 10 वर्ष बाद अनुपात 3:4 हो जाए तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम विद इन सेकेंड कर लेंगे। यहाँ पे ए और बी की वर्तमान आयु तो दे रखी है 2:3 रेशो में, ठीक है, और 10 वर्ष बाद कितनी दे रखा है रेशो इनका 3:4। बस आपको ये चेक करना है कि इनका जो रेशो का डिफरेंस है वो सेम है क्या। अगर डिफरेंस दोनों के रेशो का सेम है तो समझिए आपका क्वेश्चन हो चुका है। देखिए यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूँ 1 है, और इस साइड में भी डिफरेंस 1 है। इसका मतलब इस 1 के बराबर आपका ये डिफरेंस जो है आफ्टर 10 ईयर बोला गया है। भाई इनका प्रेजेंट में रेशो ये था, 10 साल बाद ये रेशो ये हो गया। तो रेशो में तो केवल 1 का चेंज दिखा रहा है, बट जो ये 1 का चेंज है ये 10 साल के बराबर है, ठीक है। तो 1 बराबर आपका 10 हो जाएगा। अगर आपको 1:1 के बराबर कोई वैल्यू मिल गई है तो अब कोई भी निकाल सकते हैं, आप प्रेजेंट एज भी निकाल सकते हैं, 10 साल बाद वाली भी निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है इनका प्रेजेंट वर्तमान आयु, ठीक है। तो वर्तमान आयु पूछी गई है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई कर देनी है 10 की, तो यहाँ पे ए की प्रेजेंट एज आएगी, और 3 में मल्टीप्लाई कर देनी है 10 की, तो यहाँ पे बी की एज आ जाएगी। तो 20 और 30 ये एज आ जाएगी वर्तमान ए और बी की। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये डिफरेंस सेम ना हो, तो अगर ये डिफरेंस सेम ना हो, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हो, तब क्या करना है। तो वो मैं अभी इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना है, यानी कि पिता और पुत्र की आयु का रेशो दे दिया गया है। तो पिता का 3 हो जाएगा और पुत्र का 1 हो जाएगा, तो 3:1 का रेशो मिलेगा, ठीक है। 5 वर्ष बाद इनकी उनकी उम्र का योग 70 वर्ष होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए 5 वर्ष बाद इनकी जो आयु का योग है वो 70 है, और वर्तमान जो एज पूछी गई है वो पुत्र की पूछी गई है, तो कैसे करना है भाई। देखिए इनकी जो एज का जो रेशियो है प्रेजेंट में वो कितना है, फादर और सन की 3:1 का है, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर जो इनकी एज का सम दे रखा है, आफ्टर 5 ईयर की दे रखा है, यानी कि 5 साल बाद इनकी एज का सम कितना हो जाएगा, वो 70 है। अगर मैं इसमें से 5 5 दोनों के माइनस कर दूं 70 में से, तो ये प्रेजेंट की एज आ जाएगी निकल के। भाई इसमें से 70 में से मैंने 5 5 माइनस किया, यानी कि 10 माइनस कर दिया, बचा कितना 60। अब ये 60 क्या हो गया, 60 इनकी जो ये रेशो दे रखा है ना 3:1, इस रेशो के इक्वल ये 60 आ गया, ठीक है। यहाँ पे पूछा क्या गया है, प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक है। तो एज पूछी है सन की, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के रेशो को प्लस करना है, और ये सम है दोनों का, तो इसका मतलब हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से 3+1 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, क्योंकि सन की एज पूछी गई है। तो 60 को 4 से डिवाइड किया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना है 15 ईयर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझे आप इस चीज़ को। यहाँ पे जो सम दे रखा था वो तो 5 साल बाद का था, जो रेशो दे रखा था फादर और सन का वो प्रेजेंट का था, तो हमें इस सम को प्रेजेंट का बनाना पड़ा, और फिर इस प्रेजेंट की एज हमें निकालनी थी सन की, तो 60 को डिवाइड कर दिया 4 से, और 1 से मल्टीप्लाई करके 15 ईयर आ गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अभी और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए बी सी की औसत आयु 28 वर्ष है। भाई एवरेज आयु, औसत आयु आप सभी को पता है कैसे निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमको ये क्वेश्चन करना है। तथा 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले उनकी आयु का मध्य अनुपात कितना था, 4:3:5 था, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी, 6 वर्ष बाद बी की आयु पूछ ली गई है। तो आप ये बताइए मुझे, जब हम एवरेज निकालते हैं तो कैसे करते हैं। भाई ए की एज प्लस बी की एज प्लस सी की एज को हमने डिवाइड किया होगा 3 से, तो हमारा 28 औसत आयु आ गई इन तीनों की, ठीक है। इन तीनों की एज जो भी होगी हमने प्लस करके 3 से डिवाइड किया होगा, तो ये 28 आया होगा। तो इनकी एज का सम कितना रहा होगा, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी की एज का सम कितना होगा, 28 3 जा 84,
तो यहाँ पे इन तीनों की एज का सम 84 हो गया। ठीक है, चलिए दोबारा पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन को। यहाँ पे बोला जा रहा है तथा चार वर्ष पूर्व, चार साल पहले उनकी आयु का जो मध्य अनुपात था वो 4:3:5 था। अब भाई हमें पता चला है कि चार साल पहले इनकी आयु का जो अनुपात था ये था 4:3:5, और जो हमें एज पता चली है वो प्रेजेंट की पता चली है 84। तो इसमें से मैं चार चार माइनस कर देता हूँ ना, अगर मैं इस 84 में से सभी के चार चार साल माइनस कर दूँ तो ये जो 72 आएगा आपका, ये चार साल पहले की एज हो जाएगी, और मुझे चार साल पहले का रेशो भी पता है, तो इस रेशो में मैं इस 72 को डिवाइड कर लूँगा जिसकी भी एज पूछी गई है। तो यहाँ पे बी की एज पूछी गई, तो बी का रेशो कितना है भाई, 3 है, और इनकी एज का सम कितना है, 72 है चार साल पहले की एज का सम, तो इन सभी को प्लस करेंगे और 72 से हम कर देंगे डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 और 3 12, तो 72 को 12 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें बी की एज निकालनी है, तो 12 से 72 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा, 6 की 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 तो ये हो गया। अब मैं दोबारा से फिर चलता हूँ एक बार क्वेश्चन पे, क्योंकि अच्छे से समझेंगे तो तभी आपके याद रह पाएगा। यहाँ पे बोला गया है तो 6 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी, 6 वर्ष बाद बी की आयु पूछी गई है। भाई जो हमें एज मिली है ये मिली है हमें 4 साल पहले की एज, बी की हमें 4 साल पहले की एज मिली है 18, ये जो रेशो था ना 4 साल पहले का था, और जो 72 एज निकाली थी हमने इन तीनों का सम, ये भी 4 साल पहले की थी, तो जो 18 निकल के आई है ये बी की 4 साल पहले की एज निकल के आई है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है 6 साल बाद की एज, तो सबसे पहले तो हमें 4 प्लस करके इसमें यहाँ पे लेके आना होगा इसको प्रेजेंट में, 4 साल पहले की एज है, 4 प्लस क्या आ गया प्रेजेंट में, ये यानी कि वर्तमान एज इसकी मिल गई, तो अब इसमें दोबारा से 6 प्लस करेंगे क्योंकि पूछा है 6 साल बाद इसकी एज कितनी होगी, तो 6 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 18 और 4 22 और 6 28, 28 ईयर इसकी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी की जो एज रहेगी 6 साल बाद वो 28 ईयर का हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी देखते हैं। 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11 और 14 के अनुपात में थी तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु 13 और 16, 13 और 16 के अनुपात में होगी, ए की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए बिल्कुल आपको कुछ भी इसमें ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि कन्फ्यूज होना है, बिल्कुल सीधा सीधा 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले का रेशो है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का रेशो है, और यहाँ पे ए की वर्तमान आयु निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल से हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं। ए और बी हमने लिखा, 4 वर्ष पहले का रेशो है तो हमने यहाँ पे 4 माइनस कर लिया, 4 वर्ष पहले का रेशो है ना भाई ये, और 4 वर्ष बाद का रेशो कितना है, 13 और 16, तो हमने प्लस 4 लिख करके यहाँ पे 13 और 16 कर दिया। मैंने क्या बोला था, इनका डिफरेंस चेक करना है, अगर डिफरेंस सेम है तो समझिए आपका क्वेश्चन हो ही गया है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है वो इस क्वेश्चन के बाद में बताने वाला हूँ डिफरेंस कैसे सेम करना है। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस आ रहा है 2 इधर भी और इधर भी आ रहा है 2, तो इस 2 के इक्वल मैंने 8 लिख दिया। 8 क्यों लिखा, अब इसका रीजन जानिए। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट होगा, बीच में क्या होगा, वर्तमान आयु होगी, इस वर्तमान आयु से 4 वर्ष पहले की एज पता है और इस 4 वर्तमान आयु से 4 वर्ष बाद की एज पता है, हमें प्रेजेंट एज नहीं पता, एक ही हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, वर्तमान आयु निकालनी है। तो अब मुझे ये बताइए, इसको 4 को मैं पीछे हटा के लेकर आऊँगा यहाँ पे प्रेजेंट पे, तो कितना होगा यहाँ पे 4 प्लस करना पड़ेगा, तो 4 ये प्लस किया, और इसको इधर से मैं माइनस करके प्रेजेंट में लेके आऊँगा तो इधर से 4 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ये भी हम मुझे इधर को लेके आना पड़ेगा, तो इन दोनों को मैंने प्लस करके प्रेजेंट में लेके आऊँगा। ठीक है ना, तो इस जो डिफरेंस है ना ये रेशो का डिफरेंस देखिए 2 का आ रहा है, ये 4 वर्ष पहले का रेशो 4 वर्ष बाद के रेशो का डिफरेंस जो है, केवल डिफरेंस जो आया है वो 2 आया है, बट एक्चुअल में डिफरेंस जो एज का देखा जाए 4 वर्ष बाद और 4 वर्ष पहले का और बाद का, ये 8 वर्ष बैठ रहा है, तो 2 के इक्वल इस 2 के डिफरेंस के इक्वल 8 हो जाएगा और 1 के इक्वल आपका 4 हो गया। अगर 1 रेशो की वैल्यू आपको पता चलेगी तो प्रेजेंट चाहे कोई भी एज आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे पूछा है ए की प्रेजेंट एज, तो यहाँ पे अगर मैं 11 में मल्टीप्लाई कर दूँ 4 की, तो ए की जो एज आएगी वो 4 वर्ष पहले की आ जाएगी, 11 में मल्टीप्लाई करूँ 4 की तो ए की 4 वर्ष पहले की एज आ गई, क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है, तो 44 ईयर जो आई है ये 4 वर्ष पहले की एज आ गई। अब इसमें मैं क्या करूँगा, 4 प्लस कर दूंगा क्योंकि पूछा है प्रेजेंट एज, तो 4 वर्ष पहले की एज प्लस 4 तो कितना हो गया ये 48 ईयर हो जाएगा, और यही प्रेजेंट एज हो जाएगी ए की, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। अब एक बार और मैं दोबारा से एक चीज़ बता देता हूँ आपको, शायद यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया हो, भाई आप मुझे ये बताइए रेशो को देखिए खुद आप अपने आप, 4 वर्ष पहले का रेशो है 4 वर्ष बाद का रेशो है, रेशो में डिफरेंस कितना दिखा रहा है, केवल 2 का,
बट एक्चुअल में 2 का डिफरेंस है क्या? डिफरेंस तो ज़्यादा है ना भाई, 4 वर्ष पहले की एज का ये है, ये 4 वर्ष बाद की एज का रेशो है, और अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तभी तो इस डिफरेंस के इक्वल आएगा ना, तो इस डिफरेंस के इक्वल ये 8 हो जाएगा, तो इसके बाद आप कर ही लेंगे, ठीक है। शायद यहीं पे कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर कन्फ्यूजन है किसी भी टाइप का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में बोला जा रहा है, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्रम 9 और 16 है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है, 2 और 3 होगा, तो इनकी दोनों की उम्र में कितने वर्ष का अंतर है? इन दोनों की उम्र में अंतर बताना है। देखिए सीमा और रीमा की आयु का जो अनुपात है 9:16 है प्रेजेंट में, 10 साल बाद में रेशो ये हो गया, दोनों की उम्र में कितना अंतर है ये आपको बताना है। देख तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सीमा और रीमा हमने लिखा 9 और 16 जो है रेशो प्रेजेंट का है, और 2 और 3 जो है ये आपका कब का है, 10 वर्ष बाद का है, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद का रेशो और ये जो रेशो है इनके बीच का डिफरेंस चेक करिए, क्या डिफरेंस है भाई, डिफरेंस इनका तो सेम नहीं आ रहा है, अब क्या करें। देखिए अभी तक मैं बता रहा था डिफरेंस सेम था तो क्वेश्चन आसान था, ये भी आसान ही है, बस आपको एक चीज़ करनी है उसको ध्यान से समझिएगा, इधर 7 का डिफरेंस है, इधर 13 का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को सेम करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इन दोनों साइड का डिफरेंस, यहाँ पे 7 है यहाँ पे 1 है, आपको डिफरेंस को सेम करने के लिए इस 1 की तो मल्टीप्लाई दोनों में ऊपर कर दीजिए और इस 7 की मल्टीप्लाई दोनों में नीचे कर दीजिए। जब आप इतना काम कर देते हैं, देखिए इस 1 की ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो वही रहेगा 9 और 16, ऊपर आपकी यहाँ पे कितने का डिफरेंस था 7 का, तो 7 की मल्टीप्लाई नीचे 2 और 3 में होगी तो कितना आएगा 14 और 21। अब जो ये ऊपर वाला था ना ये पूरा का पूरा, इसको भूल जाइए, इसका कोई मतलब नहीं हमारे क्वेश्चन से। अब यहाँ मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है, इसको भूल जाइए, ये हमारा काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ से देखिए इनका डिफरेंस चेक करिए, इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो अब आपका क्वेश्चन बन चुका है वैसा जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, ठीक है। यहाँ पे 5 का डिफरेंस दिखा रहा है रेशो में, बट एक्चुअल में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है भाई। जो ये 14 और 21 रेशो है ना, ये 10 साल बाद का रेशो है, और जो इनके बीच में डिफरेंस दिख रहा है रेशो में वो केवल 5 का दिख रहा है, तो डिफरेंस बराबर ये 10 हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर 1 के वैल्यू आपको पता चल गई, 1 रेशो की वैल्यू आपको पता चल गई, तो अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे पूछा है कि सीमा और रीमा की एज का डिफरेंस कितना है, इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 16 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा भाई, 16 और 9 का डिफरेंस आपका 7 आएगा, यही डिफरेंस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। अब यहाँ पे भी आप कोई गलती नहीं करनी है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले रीमा की और फिर सीमा की एज निकालेंगे उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे, तो आपका ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट इनकी एज का जो रेशियो है उसका डिफरेंस निकालना है और उस डिफरेंस की मल्टीप्लाई आपको इस 2 से कर देनी है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन 9 और 16 का डिफरेंस यहाँ पे माइनस मत कर दीजिएगा, -7, क्योंकि डिफरेंस अलग चीज़ होती है और माइनस करना अलग चीज़ होती है, तो इनका डिफरेंस आपका 7 है तो 7 की मल्टीप्लाई 2 में करनी है, तो 14 ईयर आ जाएगा इन दोनों की एज का डिफरेंस। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है एक महिला की आयु अपने पति से 4 वर्ष कम है, महिला की आयु अपने पति से 4 वर्ष कम है और अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना है, यानी कि महिला की आयु और पुत्री की आयु की पुत्री की आयु का 3 गुना है, यानी कि पुत्री की आयु 1 होगी तो महिला की 3 हो जाएगी, 3:1 का इनका रेशो हमें पता चल गया। यहाँ पे नेक्स्ट बोला जा रहा है यदि पुत्री जो है वो 5 वर्ष बाद 16 वर्ष की हो जाएगी, 5 साल बाद पुत्री 16 वर्ष की हो जाएगी, तो उनके पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, पिता की वर्तमान आयु आपको बतानी है। देखिए पुत्री की 5 साल बाद की जो एज है वो पता चल गई 16 वर्ष है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वुमेन और डॉटर की एज का रेशियो हमें पता चल गया 3:1 है, डॉटर की एज जो हमें पता है 5 साल बाद कितनी है 16 साल है, तो मैं क्या करूँगा 16 में से 5 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा 11, तो 11 एज क्या हो जाएगी प्रेजेंट एज हो जाएगी डॉटर की, ठीक है। इस वुमेन की जो डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज 11 वर्ष हो गई, तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, इनका रेशो हमें पता है प्रेजेंट का रेशो पता है ना 3:1 है, और प्रेजेंट एज पता है हमें डॉटर की, डॉटर का प्रेजेंट का रेशो 1 है, तो 11 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, वुमेन का एज हमें निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना है 33 ईयर। अब यहाँ पे देखिए 33 ईयर किसकी वुमेन की एज आ गई, अब पूरा आंसर क्या पूछा गया है ये देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है
तो उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु किसकी पूछी है? पिता की। यहां पे पहली लाइन में क्या बोला गया था? एक महिला की आयु अपने पति से 4 वर्ष कम है। तो आपको क्या करना है, आपको कम बताया ना वुमेन की आयु पति से, तो यहाँ पे वुमेन की आयु 33 ईयर है और फादर की एज यानी कि उस लड़की के फादर की एज कितनी हो जाएगी, इसमें 4 वर्ष कम बताया था ना, तो 33 में 4 प्लस कर देंगे तो 37 आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं, मैंने फादर इसलिए लिखा है क्योंकि फादर की एज पूछी है ना, करंट एज ऑफ हर फादर, तो यहाँ पे फादर की एज पूछी गई है, तो मदर की एज 33 है और आपको पता है यहाँ पे कि जो वुमेन है वो 4 साल छोटी है अपने पति से, तो 33 में 4 प्लस कर देंगे तो 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? दोबारा से पढ़ते हैं, दो भाइयों की वर्तमान आयु का रेशो क्या है? 2:1 है। 5 वर्ष पहले इनकी अनुपात, जो आयु का अनुपात है वो 1:3 था, तो 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको वही करना है, डिफरेंस इनका सेम नहीं आया तो डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। ब्रोदर वन ब्रोदर टू दो दे रखे हैं यहाँ पे, दो भाई हैं जिनकी एज का रेशो 1:2 है प्रेजेंट में, फिर 5 साल पहले, 5 साल बिफोर 5 ईयर, 5 साल पहले इनकी एज का रेशो था ये, इन दोनों साइड में मैंने डिफरेंस चेक किया इन दोनों रेशो में, तो डिफरेंस सेम नहीं मिला, इधर तो 1 है इधर 0 है, तो सबसे पहले डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करना है, ऊपर का डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई, नीचे का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसी तरीके से ऊपर 1 आया तो नीचे तो 1, ये 1 और 3 रहेगा, नीचे 2 आया था तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 1 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2, और इसमें 2 में करेंगे तो 4, तो ऊपर हो जाएगा 2 और 4, 1 और 3, डिफरेंस कितना 1, इधर भी और इधर भी 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 ईयर, क्योंकि जो ये रेशो है ये 5 साल पहले का रेशो है, तो 1 बराबर 5 हो गया, तो अब किसी की भी एज आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, 5 साल बाद दोनों भाइयों की जो एज का रेशो है वो क्या होगा 5 साल बाद, तो यहाँ पे प्रेजेंट रेशो ये है, तो इसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 की तो 10 हो जाएगा, और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 की तो आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 4 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो यहाँ पे ये जो है इनकी एज का प्रेजेंट एज आ गई है, इसमें पूछा है 5 साल बाद इनकी एज का रेशो क्या होगा, तो दोनों में 5 5 प्लस कर देंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस करेंगे 15, यहाँ पे हो जाएगा 25, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से कट करेंगे 3 टाइम और 5 से कट करेंगे 5 टाइम, तो 3:5 का आपका रेशो बन जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों भाइयों की एज का जो रेशियो है 5 साल बाद वो कितना हो जाएगा 3 और 5, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, 8 वर्ष पूर्व अमर अपने पुत्र से 5 गुना था, 8 वर्ष पहले, यानी कि 8 वर्ष पहले का अमर और उसके पुत्र का एज का रेशो मिल गया 5:1 का। ठीक है, यदि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 64 वर्ष है तो अमर की वर्तमान उम्र क्या है? देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल आपको वही करना है, 8 वर्ष पहले की एज का रेशो पता चल गया अमर और उसके सन की। ठीक है, तो 5:1 का है, ए अमर और सन का प्रेजेंट का एज का जो समय वो कितना है, वो 64 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 64 प्रेजेंट का एज है ना, तो इस रेशो के बराबर आपको इस सम को बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें से 8 8 दोनों की एज को माइनस कर देंगे। समझ गए, ये जो रेशो है ये 8 वर्ष पहले का है और जो ये रेशो है, ये जो सम है एज का इनका, ये 8 वर्ष यानी कि प्रेजेंट का है, तो ये 8 वर्ष बाद का हो गया इस रेशो के अकॉर्डिंग। तो प्रेजेंट से ये 8 वर्ष पहले का है रेशो, तो हमें इस सम को भी 8 वर्ष पहले का बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ये वाला सम, तो इसमें से 8 8 माइनस यानी कि 16 माइनस करेंगे 48 आ जाएगा। इस 48 को मैंने अमर और सन की एज में डिवाइड कर दिया, तो क्या करेंगे, 48 को 6 से डिवाइड करेंगे, 5 प्लस 1, तो 6 से डिवाइड करेंगे और हमें निकालनी है दोनों की एज, सॉरी किसकी एज निकालनी है, यहाँ पे पूछा किसकी एज गया है, यहाँ पे पूछा अमर की वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, तो अमर की वर्तमान आयु आपको निकालनी है, तो अमर की वर्तमान आयु निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 5 और 1 दोनों का रेशो, 48 को डिवाइड करेंगे 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 40। अब यहाँ पे पूछा है अमर की वर्तमान एज, ठीक है ना, और जो ये एज आई है 5 और 1 के रेशो के अकॉर्डिंग, ये आपकी आई है 40 वर्ष 8 वर्ष पहले,
तो 8 वर्ष पहले की अगर एज पूछी जाती तो 40 हो जाती, और प्रेजेंट एज पूछी है तो इसमें 8 प्लस करके रख देंगे तो 48 ईयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या फिर आप डाउनलोड करके टेलीग्राम वहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत सारी PDF ऑलरेडी वहाँ पे पड़ी हैं तो आप उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप सर्च करिएगा इंस्टाग्राम पे @SourabMalik17 के, ये वाला सर्च करना है आपको इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लेना है, कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी टाइप का आपका डाउट रहता है तो मैं आपका जरूर रिप्लाई करता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं इंस्टाग्राम पे आता हूँ और इस पे ही मैं रिप्लाई करूँगा, क्योंकि टॉपिक स्टडी अगर आपने ज्वाइन कर रखा है वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, वहाँ पे जो आपका मैसेज करना है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज वहाँ पे ऑलरेडी पेंडिंग में पड़े हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैसेज करिएगा इंस्टाग्राम पे SourabMalik17K पे, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपका जो भी जेन्युइन क्वेश्चन होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपने लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा, जरूर शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।